बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं जनाब आपको अपने यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी गाइस, तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस प्लांट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिस प्लांट को डिस्कस करने जा रहे हैं, उस प्लांट का नाम है टिकोमा कैपनेसिस प्लांट। हाँ जी गाइस, टिकोमा बेसिकली एक परमानेंट प्लांट है जो कि तकरीबन सारा साल ही फ्लावरिंग करता है और ये तकरीबन हर तरह के क्लाइमेट में ही हो जाता है, लेकिन थोड़ा हार्ड क्लाइमेट इसको ज़्यादा सूट करता है। फ्रेंड्स, टिकोमा 100% एक आउटडोर प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट है, बिकॉज आप लोग जानते होंगे कि अगर आपने पौधे से फ्लावरिंग अच्छी करवानी है तो उसके लिए आपको धूप की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। धूप और रोशनी जब तक नहीं पड़ेगी, सनलाइट नहीं पड़ेगी, तब तक पौधा फ्लावरिंग ठीक से नहीं करेगा। फ्रेंड्स, टिकोमा के आपने काफ़ी सारी वाइन्स की वराइटीज़ देखी होंगी, बट ये एक स्ट्रेट ग्रोइंग प्लांट है जो कि वाइन से हट के होता है। और ये काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है, जिनमें येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल और भी काफ़ी सारे कलर्स हैं। और ये पंचीज में फ्लावरिंग करता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 4 से 5 फ्लावर्स जो इकट्ठे होते हैं। आप इसे पॉट्स में भी लगा सकते हैं और क्यारी में, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इसका फ्लावरिंग सीज़न जो है वो गर्मियों का होता है, फरवरी से लेकर तकरीबन जुलाई तक ये अच्छे फ्लावर देता है, बट ओवरऑल ये सारा साल थोड़े बहुत फ्लावर्स इस पर लगे ही रहते हैं। जी गाइस, तो अब इसके केयर के मुतालिक बात कर लेते हैं। इसकी केयर कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये एक सख्त जान पौधा है और तकरीबन गर्म माहौल में भी इजीली हो जाता है। तो इसके लिए जस्ट आपको टाइम पर पानी देना है और सनलाइट वाली जगह पे रखना है, और क्यारी में या बड़े पॉट में आप इसको लगाएँगे तो उससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त होगी। हाँ जी गाइस, तो अब इसके नए प्लांट तैयार करने के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसके नए प्लांट किस तरह से ख़ुद तैयार कर सकते हैं। जी तो गाइस, आप इसकी जो है कटिंग लगाकर इसके नए पौधे इजीली तैयार कर सकते हैं। कटिंग से एक फ़ायदा ये भी होगा कि ज़्यादा कोंपले निकालेगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे यहाँ से अगर काट देते हैं तो ये यहाँ से टहनी, ये आपकी कटिंग लग जाएगी और यहाँ से फिर ये दोबारा पंचेज निकालेगा और वहाँ से दोबारा ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। हाँ जी गाइज, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।